अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चंद दिन कबल ही भारतीय एयरफोर्स ने अमेरिका का मजबूत तरीन अपाची हेलीकॉप्टर क्रैश किया था, जिसके बाद अमेरिका इस बात से बहुत परेशान है। और उससे पहले इंडिया ने रूस के मेघ त्यारू को इस तरह क्रैश किया कि रूस को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। रूस की मेकोयान कंपनी की तबाही का बैस भारत ही बना। यही वजह है कि रूस के मेघ त्यारू को कोई भी मुल्क नहीं खरीद रहा। आज फिर एक बार रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर को इंडिया के पायलट ने क्रैश कर दिया है, और इसकी वजह क्या थी ये जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मजीद वीडियो की तफसील में जाने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल ऑल न्यूज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकान को प्रेस कर दें। दोस्तों, इस बार इंडिया ने अमेरिकी अपाची के बजाय रूस के MI-17 हेलीकॉप्टर को गिराया है। आज फिर रूसी हेलीकॉप्टर को अपाची की तरह खेतों में ही लैंडिंग करवाना पड़ी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को बहुत नुकसान पहुंचा है और पायलट समेत 6 अहलकार शदीद जख्मी हुए हैं। जो अहलकार जख्मी हुए हैं उनमें 4 अहलकार एयरफोर्स के हैं, जबकि 2 अहलकार इंडियन आर्मी के थे। और मुकम्मल तहकीक करने के लिए इसका तहकीकी आर्डर जारी कर दिया गया है, कुछ ही दिनों में इसकी तहकीक मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन इसके बाद ये जो खबरें सुनने को मिल रही है, रूस इंडिया को MiG-35 देने जा रहा है, क्या इसके बाद रूस भारत को अपना MiG-35 तैयार देगा? इस बारे में हम आपको चंद दिनों में ही मुकम्मल सबूत के साथ वीडियो देंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।